दोस्तों पूरा दुनिया और विशेष तौर पे भारत के ऊपर अब और एक बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई है। मुसीबत का नाम है रूस वर्सेस यूक्रेन, जो एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है कि भारत बहुत बड़े संकट का सामना करने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए, नोटिफिकेशन का घंटा भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन ओडिशा के दिव्य और महान संत गुरु पंचसखाओं के द्वारा रचना की गई ग्रंथों की माला मालिका पर चर्चा करता हूँ, जो कि इस कलयुग का एकमात्र अमृत है। आज का नया अध्याय आरंभ करते हैं। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। आज का डेट है फेब्रुवरी 22, 2022, यानी 22/2/2022। मैंने पहले के अध्याय में इसके बारे में हिंट दिया था। हमारे परिवार के कुछ सदस्य भी प्रश्न पूछा था कि 222 का क्या राज है, थोड़ा डिटेल्स से बताइए। तो दोस्तों आज तथ्य प्रमाण आप सबके सामने हैं। रूस ने यूक्रेन के 3 टुकड़े करके, बल्कि जो 2 नए देश बने डोनेट्स्क और लुहानस्क, वहां पर अपना सैन्य अड्डा मिलिट्री बेस भी तैयार कर रहा है। अब प्रश्न है हमारे भारत पर क्या असर होगा। ग्लोबल इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो अपने चरम सीमा पर है, वह और बढ़ चुका है, आगे और बढ़ने वाला है। कच्चे तेल का प्राइस जो पहले से ही बढ़ा हुआ है, $72-$75 पर बैरल था, वो अभी $90 पर पहुंच चुका है, और कुछ ही दिनों में आप देखते जाइए $125 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा। अगर ये मुसीबत कम है तो आगे सुनिए दोस्तों, भारत में आधे से ज़्यादा रसोई का तेल कुकिंग ऑयल यूक्रेन से आता है। फुल स्केल युद्ध हो गया, प्राइस तो बढ़ेगा पर सप्लाई चेन भी टूट जाएगा। अगर ये कम है तो आगे सुनिए, भारत का 86%, ध्यान दीजिए 86% डिफेंस रिक्वायरमेंट्स रशिया से आता है, और अभी यूएसए भारत पर सैंक्शन लगा देगा कि हम रसिया से कुछ खरीद ना पाए। अगर ये कम है तो आगे सुनिए, हमारा शेयर मार्केट 10% डाउन हो चुका है, और जैसे ही युद्ध आरंभ होगा 30% तक और नीचे चला जाएगा। मेरी बातों को गहराई से समझिए दोस्तों, अति भयंकर परिस्थिति आ खड़ा हुआ है। जैसा कि मालिका से डिकोड करके कहा था, 2022 अति मुसीबत का समय होने वाला है, और तो और भारत को अभी किसी एक के तरफ होना ही पड़ेगा, इधर रशिया और यूएसए। अगर न्यूट्रल रहेगा तो मुसीबत डबल हो जाएगी। मोदी जी के पास एक ही ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, हमारे भारत के सरकार के पास एक ही ऑप्शन है, पीओके पर कब्जा करने की, क्योंकि पीओके में मौजूद है ऑयल एंड गैस का भंडार। अगर हम पीओके को कब्जा कर लेंगे तो काफ़ी हद तक हमारी मुसीबत कम हो जाएगी, क्योंकि तेल ऑयल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, चाहे गरीब हो या फिर अमीर।
आशा करता हूँ मेरे वीडियोस आपको पसंद आती हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।